नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग चैप्टर फोर क्लास सेवन का ज्योग्राफी का चैप्टर फोर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, चैप्टर थ्री हम लोग ने कर लिया है, चैप्टर वन से थ्री तक, और क्लास सिक्स की भी ज्योग्राफी हम लोग ने कर रखी है। तो आप अगर देखना चाहें तो जाके देख सकते हैं, लास्ट में भी मैं लिंक दे दूंगा, उसका डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी क्लास सेवन का चैप्टर फोर। जिन्होंने प्रीवियस चैप्टर नहीं देखा है, आई बटन के पास लिंक दिख रहा होगा पूरी प्लेलिस्ट की, आप जाके देख सकते हैं। तो एक मिनट, मुझे एक चीज चेंज करने दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा। ओके, सो आज चैप्टर फोर करेंगे, दैट इज एयर, हवा। तो एक बार आप शेयर कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि ये जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। ओके, आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हम लोग का जो अर्थ है उसके वो सराउंड किया हुआ है किससे? ह्यूज ब्लैंकेट से, हवा के ब्लैंकेट से, जिसे हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। सो दिस इज एटमॉस्फेयर। ओके, दिस इज एटमॉस्फेयर। ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फ्रॉम देयर सर्वाइवल। देखिए क्या होता है ना कि इस एटमॉस्फेयर के बिना जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये एक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम की तरह काम करता है। कौन? आपका एटमॉस्फेयर। इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ, ये हमें हवा देता है जिसे हम सांस ले पाते हैं। एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेस। सन की जो किरणें आ रही है, ठीक है, सन की जो किरण आती है यहाँ पे, उसकी जो हार्मफुल रेज होते हैं उनसे भी हमें प्रोटेक्ट करता है, उनसे भी हमें बचाता है। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन, बिना इस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन के, वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय अ हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे। दिन के समय में क्या होगा कि जब ये हीट इतनी ज़्यादा होती है कि अगर ये ब्लैंकेट मौजूद नहीं रहेगा एटमोसफेयर का, तो इससे हम लोग जल भी सकते हैं। एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग द नाइट, और रात में हम लोग क्या हो जाएंगे? पूरे तरीके से फ्रीज हो जाएंगे। सो इट इज दिस मास ऑफ एयर दैट हैज बीन मेड द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ लाइबल। लाइबल का मतलब क्या होता है कि अर्थ के ऊपर जो लाइफ एग्जिस्ट करता है, इसलिए एग्जिस्ट कर पाता है क्योंकि ये जो एटमॉस्फेयर का ब्लैंकेट है वो धरती की टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, और जिससे हम लोग जीवित रहते हैं। अब आइए बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ एयर के बारे में। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, दैट द एयर वी टेक इन अ वाइल्ड ब्रीदिंग इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। जब हम सांस लेते हैं तो उसमें हम बहुत सारे एयर को यूज करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आर द टू गैसेस विच मेक्स अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं वो क्या पाए जाते हैं साथियों? वो पाए जाते हैं आपका नाइट्रोजन, जो 78% के आसपास है, और ऑक्सीजन जो 21% के आसपास है। एक मिनट। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंडेड लेसर क्वांटिटी। आपको अन्य तरह की भी गैस यहाँ उपलब्ध है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, आर्गन है आपका 0.93%, और ऑल अदर गैसेस जो बचे हुए गैसेस है वो है 0.04%। तो ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है यहाँ पे एनसीईआरटी के द्वारा जो बनाया गया है। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस द टाइनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंटेड इन एयर। हवा के अंदर में सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन है या फिर नाइट्रोजन है, इसके अंदर में टाइनी डस्ट है, यानी धूल के कण हैं जो आपको आंख से तो दिखाई नहीं देंगे, वो इतने छोटे होते हैं और उनकी वो इतनी वेट होती है ना कि वो हवा के साथ फ्लो करते रहते हैं इधर से उधर, बट आपको कभी वो दिखाई नहीं देंगे, जो एक तरह से आपके लिए हार्मफुल भी है। द पाई चार्ट गिवन यू द परसेंटेज ऑफ द डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। ये एयर का कंपोजिशन जो पाई चार्ट में दिखा दिया मैंने, नाइट्रोजन इज द मोस्ट पेंटीफुल गैसेस इन द एयर। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। व्हेन वी इनहेल, जब हम सांस लेते हैं, वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, तब हम
जो अपने जब हम सांस लेते हैं साथियों, तो हम क्या करते हैं ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन का भी कुछ अमाउंट जो है वो ले लेते हैं, लेकिन हम उसे बाद में एक्सहेल कर देते हैं। बट द प्लांट नीड नाइट्रोजन, प्लांट को यही नाइट्रोजन की जरूरत है, क्यों? फॉर देयर सर्वाइवल, उनके सर्वाइवल के लिए। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। डायरेक्टली जो हम जिस तरह हम लोग साथियों सांस लेते हैं और डायरेक्टली नाइट्रोजन को इनहेल कर लेते हैं, लेकिन प्लांट जो है इस तरह नहीं कर सकते हैं। प्लांट की जो मिट्टी में आपको बैक्टीरिया दिखेगा दैट लाइव इन द सॉइल एंड द रूट्स ऑफ द प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट द प्लांट कैन यूज। इसी से प्लांट जो है इस्तेमाल में ले सकते हैं। ऊपर एक डी यू नो था शायद, क्या जो मैंने छोड़ दिया शायद। ओके, आइए अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं, फिर ऑक्सीजन की बात करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रेजेंट है पहले देख लेते हैं, 0.03%। अब आप ये बोलोगे कि सर ये बहुत कम है, तो लोग फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर इतना कंसर्न क्यों है? देखिए क्यों कंसर्न है, अभी आपको ये डी यू नो बताएगा कि ये क्यों इतना लोग कंसर्न है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमोसफेयर क्रिएट द ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय द ट्रैपिंग द हीट रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ। दिस इज देयरफॉर कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसे हम ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अब ये होता कैसे है ये समझिए। इमेज नहीं खुला गया, ये इमेज खुल नहीं रहा यार। ओके कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरे साइड से दिखा देता हूं। यहां देखते हैं, ये वाला डायग्राम अच्छा नहीं है, ये इमेज ठीक है। ओ माय गॉड, ये क्या खुल गया यार। ओके आइए, नासा का तो यहाँ पे ये पूरा दिया हुआ है, ये वाला इमेज को हम लोग देखते हैं। क्या होता है कि सन के माध्यम से, मैं पेन ले लेता हूँ तब शायद आपको थोड़ा समझ में आए ठीक से। ओके ये देखिए होता क्या है कि जब सन की जो रे है वो आती है धरती के ऊपर में इस तरह, उसके बाद धरती कुछ हीट को रखता है और बचे हुए एक्स्ट्रा हीट को वापस रिलीज कर देता है ठीक है। लेकिन होता क्या है इस एटमॉस्फेयर के कंडीशन में, क्या होता है जब ये हीट आती है, हीट रेज आती है, सन की रे आती है तो धरती पे आके टकराती तो ठीक है, आने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका CO2 है वो क्या करता है एक पतली सी परत बना देता है, यहाँ पे लेयर बना देता है। इसे मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूं। ये जो है CO2 आपकी है, ये पतली सी व्हाट हैपन ओके पतली सी एक लेयर बना देता है इस तरह। एक बार मैं इसे क्लियर कर देता हूं। ये देखिए ये पतली सी लेयर मान लेते हैं यहां पे बना दी एटमॉस्फेयर पे। अब क्या होता है कि हीट तो बराबर आ रही है, जिस स्पीड से आ रही थी वो तो आ ही रही है, अब धरती से टकरा के ना ये वापस नहीं जा पाती, ये अटक जाती है। अब इससे क्या होता है लगातार हीट आते रहता है और वापस नहीं जाता, एक्सट्रैक्ट नहीं होता एक्स्ट्रा हीट, जिसके कारण से पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है ठीक है। पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, उसमें इजाफा हो जाता है और पृथ्वी एक तरह से जलने लगती है, गर्म होने लगती है, और इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट कहते हैं या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ओके ठीक है, अब मैं इसे क्लोज कर देता हूं, इसकी नीड नहीं है। ओके सो यहां पे आपको समझ में आएगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे काम किया।
एंड विदाउट इट द अर्थ हैज बीन टू कोल्ड. इससे क्या होगा ना कि धरती चाहे तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो धरती बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी. तो क्या करना चाहिए हम लोग को? वी इट वेन इट इज लेवल इन द एटमोसफियर इंक्रीजेस ड्यू टू द फैक्ट्री स्मोक. आपको पता है कि फैक्ट्री से जो धुएं निकलते हैं आसपास, या फिर कार से जो फॉर्म्स निकलते हैं, यानी कार जो धुआं निकालती है उससे हो गया, फैक्ट्री की धुआं हो गया, द हीट रिमेन्स इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एंड दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. और इससे ग्लोबल वार्मिंग जो है देखने को इफेक्ट हम लोग को मिलता है. दिस राइज इन द टेम्परेचर काउजेस द स्नो इन द कोल्डेस्ट पार्ट. इस टेम्परेचर के राइज होने से कहीं पे स्नो हो जाता है, बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाता है. सॉरी, स्नो ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज मेल्ट. इससे क्या होता है, टेम्परेचर जैसे बड़ा धरती की, अब सतह गर्म होने लगी, और अपना जो पोल्स है आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहां पे जो ग्लेशियर है वो पिघलने लगता है. एज द रिजल्ट द सी लेवल राइजेस. अब ये बर्फ जो पिघलेगी तो बर्फ पिघल के क्या बनाती है साथियों, आइस जब पिघलती है तो आपको पता है कि वाटर का फॉर्म लेती है, और ये वाटर का फॉर्म आपका सी में चले जाएगी पूरे तरीके से, और जिससे सी का जो लेवल है, मानिए पानी यहां तक था तो उसका पानी का लेवल अब क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ और बढ़ जाएगा. आई एम नॉट, ये नॉर्थ एंड साउथ नहीं समझना आपको, ये सी का मैं लेवल बता रहा हूँ कि पहले सी का लेवल अगर यहाँ था तो इससे क्या हुआ, सी का लेवल बढ़ गया, जिसके कारण से क्या होता है, फ्लड आ जाती है बहुत जगह पे कोस्टल एरिया में. अब ये कोस्टल एरिया में फ्लड जो आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये ओके, कोस्टल एरिया में ऐसे फ्लड आ जाती है. ये पता नहीं काम क्यों नहीं कर रहा आज, शायद कुछ प्रॉब्लम है इसमें, क्या है मुझे तो समझ में नहीं आ रही है कि समस्या है क्या. इस तरह डिस्टरबेंस ना मुझे नहीं पसंद है, कुछ ना टेक्निकल इशू जो लगा रहता है ना. ओपन विथ वी कैन सी फ्रॉम फायरफॉक्स. ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, इससे क्या होता है, कोस्टल एरिया में जो है साथियों फ्लड आ जाती है. दिस में अ ड्रास्टिक चेंज इन द क्लाइमेट, और इससे क्लाइमेट में भी परिवर्तन आने लगेगा. जो एलिनो है, लालिनो है, अगर आप अभी आगे जाकर पढ़ोगे, जिससे मॉनसून भी इफेक्ट होता है, बहुत तरह तरह के आपको यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है वो देखने को मिलेंगे. एनिमल्स प्लांट के ऊपर में भी लॉन्ग रनिंग टाइम में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है बहुत सारे. अभी जैसे बाढ़ आया दिल्ली वगैरह में आप देख सकते हो, तो उससे सिर्फ इंसान को नहीं दिक्कत हुआ, हमारे पशु पक्षी को भी दिक्कत होता है, और उसके बाद जितने आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको प्रॉब्लम होता है. तो ये बहुत बड़ी दिक्कत के काम करती है, इसीलिए 0.03% सिर्फ मौजूद है, और इसमें इतना इजाफा, बस समझ लो आपकी पॉइंट में भी इजाफा होने से कितना ज्यादा दिक्कत हो रहा है. तो ये अगर बढ़ गया तो क्या होगा, तो इसलिए लोग इतना कंसर्न है. ऐसा करता हूं, आपको इस चीज से समझ में आ गई होगी. ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर. ऑक्सीजन जो है सेकेंड मोस्ट पाया जाने वाला, ऑक्सीजन जो है एयर एटमॉस्फेयर के अंदर में ऑक्सीजन पाया जाता है मोस्ट. ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. ह्यूमन और एनिमल यही ऑक्सीजन लेते हैं एयर, हवा के माध्यम से, एज दे ब्रीथ, वो सांस लेने में. ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. लेकिन प्लांट में क्या होता है कि प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और रिलीज करता है ऑक्सीजन, और इसी ऑक्सीजन को बाद में ह्यूमन टेक करते हैं, फिर बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. इसे हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं. अरे भाई आज विंडोज को देखना पड़ेगा, कुछ तो दिक्कत कर रहा है ये विंडोज. क्या होता है कि ये आपकी प्लांट है, हंसना मत यार डायग्राम पर, उतनी अच्छी मुझे डायग्राम आती नहीं है, ये तो रोंडा जैसा लग रहा है, मैंने रोता हुआ बना दिया. ये आपका प्लांट है ओके, और ये आपका ह्यूमन है. बड़ा भाई याद लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. सो ये क्या करता है, ये इसके लिए काम करता है ऑक्सीजन का, ठीक है, ये ऑक्सीजन बनाता है, O2 बनाता है, और ये रिलीज करता है भैया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, और प्लांट उसको टेक करता है. तो ये एक प्रोसेस का काम करता है कि हाँ, पृथ्वी पे जितनी कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है वो रहती है, ऑक्सीजन की जितनी जरूरत है वो रहती है. लेकिन आप क्या करते हो, आप इसको मार देते हो. ये आपका बेस्ट फ्रेंड है, मैं बता रहा हूँ, प्लांट आपका बेस्ट फ्रेंड है, याद रखिएगा. ये आपका जो बेस्ट फ्रेंड है ना, आप इसको अगर मार देते हो तो ये आपको फिर दिक्कत करेगा. अब ये क्या करेगा, अब ये तो है ही नहीं, तो आप बनाओगे कहां से ऑक्सीजन, जिस कारण से क्या होगा, CO2 का लेवल राइज होने लगेगा अचानक से.
सो बहुत सारे कारण है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि CO2 का मेन कारण लेवल राइज होने का इंसान है, नहीं, मेन कारण है फैक्ट्री, बट आपको ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है ना धीरे धीरे, फिर तो ये प्लांट को सेव करना भी इसलिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द अर्थ रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इसी तरह ऑक्सीजन जो है रिमेन कॉन्स्टेंट रहता है पृथ्वी के ऊपर। इफ वी कट ट्री, मैंने बताया ट्री को काटोगे तो द बेसिक द बैलेंस है गेट्स इंटरप्ट, ये बैलेंस खराब हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस, कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस है नाइट्रोजन और आपका ऑक्सीजन के बाद। द ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड, इसी कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके जो प्लांट है वो अपना खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ह्यूमन एंड एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने बता दिया। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ यूज बाय द प्लांट, यानी जितना प्लांट निकाल रहा है उतना एनिमल निकाल रहा है, ऑक्सीजन निकाल रहा है जितना प्लांट उतना कार्बन डाइऑक्साइड इंसान निकाल रहा है, तो ये बैलेंस जो है बना रहता है, एक परफेक्ट बैलेंस है। लेकिन ट्री को काटोगे तो ये बैलेंस जो है साथियों खराब हो सकता है। हाउएवर द बैलेंस अपसेट बाय द बर्निंग ऑफ द फ्यूल्स, अब आप क्या कर रहे हो, अब आप CO2 अगर सिर्फ इंसान निकाले तो ठीक है भैया, कोई दिक्कत यहाँ पे आएगी नहीं, लेकिन क्या हो रहा है अभी आप फ्यूल बर्न कर रहे हो तो उससे भी CO2 निकल रहा है, कोल से निकल रहा है, ऑयल से निकल रहा है और बहुत तरीके से। आप क्या करो, बिलियंस ऑफ टन्स कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हो एटमोसफेयर में हर साल, जिसके कारण से रिजल्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इज अफेक्टिंग द अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट, और जिससे अर्थ का जो वेदर और क्लाइमेट है वो भी इफेक्ट में आ रहा है। आशा करता हूँ आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई होगी। ओके ये तो आपका आगे मैं बताऊंगा, ये जो DONO में लिखा है उसको मैं आगे बताऊंगा अभी। स्ट्रक्चर ऑफ, जब हम एटमॉस्फेयर पर रहेंगे तो वहीं पे कवर अप हो जाएगा। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में। ये जो एटमॉस्फेयर हम लोगों ने देखा कि एक ब्लैंकेट जैसी जो परत बनी हुई है एटमॉस्फेयर का, उसका स्ट्रक्चर कैसे ये भी समझ लेते हैं। जिस तरह हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी के स्ट्रक्चर को, वैसे ही हम एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इंटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सर्फेस, अर्थ के सर्फेस से 5 लेयर में डिवाइडेड है। पहला है ट्रोपोस्फेयर, दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा है मेसोस्फेयर, चौथा है थर्मोस्फेयर और पांचवा है एक्सोस्फेयर। आइए एक बार पहले डायग्राम को देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ या लेयर ऑफ एटमोस्फेयर को थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। ये देखिए लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर है, यहाँ पे किलोमीटर में देखते हैं तो 10 किलोमीटर तक आपको मिलेगा ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद आपको 45 किलोमीटर की हाइट पर मिलेगा स्ट्रेटोस्फीयर, फिर 45 किलोमीटर, 10 किलोमीटर से लेकर 45 किलोमीटर तक आपको क्या है स्ट्रेटोस्फीयर, फिर 45 किलोमीटर से लेकर 85 किलोमीटर तक क्या मिलेगा आपको मेसोस्फीयर, और फिर 85 से लेकर आपको मिलेगा 150 किलोमीटर कुछ मान लीजिए, यहां तक आपको मिलेगा थर्मोस्फीयर, और उसके बाद 150 किलोमीटर से प्रभु की इच्छा तक वहां मिलेगा आपको एक्सोस्फीयर। ओके सो ये कुछ लेयर हैं, ये हमारा 5 लेयर ऑफ क्या है आपको एटमॉस्फेयर का, ये 5 लेयर है। ये बोलता नहीं, वो लिखा रहता है बहुत जगह जाओगे कि शादी में 7 बजे से 7 बजे से खाना चालू होगा और आपकी इच्छा तक, तो वो लिखा रहता है ना, तो वैसे ही आप समझ लीजिए कि जहां तक जा रहा है आपकी प्रभु की इच्छा तक। सो आइए ट्रोपोस्फेयर के बारे में जानते हैं, पहले लेयर के बारे में जानते हैं। दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, कुछ तो इसमें खासियत होगी तभी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कहला रहा है ये चीज। इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर, द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर, यहाँ पे क्या होता है जो हम सांस लेते हैं साथियों, जो हम सांस ले रहे हैं वो यहाँ पे मौजूद रहता है, इसी एटमोस्फेयर में हम सांस लेते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फेनोमेना जैसे रेनफॉल हो गया आपका, उसके बाद हेल स्टॉर्म अकर्स, इसी लेयर के अंदर में आपको वातावरण चेंज होते हुए दिखेगा, क्लाइमेट चेंज होते हुए दिखेगा, आप सांस लेते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। उसके बाद करते हैं हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में। एवव द ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर से जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं लाइज द स्ट्रेटोस्फीयर, इसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर आता है, इट एक्सपेंड्स अस टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। याद रखिएगा स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर के बीच में एक लेयर आ जाता है जिस जहां पे वो डिवाइड हो रहा है, जो लेयर इसको डिवाइड कर रहा है उसको कहते हैं ट्रोपोपॉज। ठीक है, ट्रोपोपॉज कहते हैं जब स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर को जो चीज डिवाइड करता है उसे हम बोलते हैं ट्रोपोपॉज। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फेनोमेना, यहाँ पे भी वेदर फेनोमेना आपको नहीं मतलब मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो क्लाउड है
वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स, यहां पे आसमान बिल्कुल साफ रहता है इसलिए एरोप्लेन के फ्लाई करने का मोस्ट एक बोलते ना सुटेबल कंडीशन है। कभी आप जीवन में अगर एरोप्लेन में या फ्लाइट में चढ़ोगे तो आप यह इस स्फीयर को देख सकते हो विंडो से। वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस स्ट्रेटोस्फीयर इज टू कंटेन द लेयर ऑफ ओजोन गैस, ये ओजोन गैस का लेयर है। ओजोन गैस क्या होता है बताऊंगा मैं आपको। वी हैव टू जस्ट लर्न हाउ इट इज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेस। अब सन रेस के जो हार्मफुल इफेक्ट आते हैं, देखिए पृथ्वी के जो पृथ्वी पे जो सूर्य की किरण आ रही है वो डायरेक्ट आ रही है, लेकिन जो हार्मफुल गैसेस है, एक तरह का जैसे आप चाय के छानते हो ना कप में, आप कप में क्या करते हो चाय छानते हो जब चाय बन जाती है, तो आप चाय पत्ती को क्यों अलग करते हो, तो क्योंकि चाय पत्ती तो आप पियोगे नहीं, चाय पियोगे, तो चाय पत्ती को अलग करने के लिए आप क्या करते हो, चाय छन्नी का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, चाय छन्नी का इस्तेमाल करते हो आप। अब ये चाय छन्नी का ही काम जो यहाँ पे जैसे चाय से पत्तियों को अलग करने का काम कर रही है, वैसे ही ओजोन गैस जो है काम करती है सन की रे से, सन की रे से हार्मफुल इफेक्ट्स को कम करती है, प्रोटेक्ट करती है, हमें बचाती है। वरना क्या होगा साथियों, हमें बहुत सारे स्किन डिजीजेस हो सकती है, हमारी आंखों को नुकसान हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकती है। और ये ओजोन लेयर में दिक्कत पता है कब आता है, जब आप CO2 का एमिशन बढ़ा देते हो, इस लेयर को इफेक्ट होता है, जिसके कारण से भविष्य में टेम्परेचर बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग आती है और तमाम तरह की समस्या आपको देखने को मिलता है। फिर याद रखिएगा जो स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर का डिफरेंस जो अलग कर रही है एक बॉर्डर, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेटोपॉज। अब आइए जानते हैं मेसोस्फीयर क्या है। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ। दिस इज द थर्ड लेयर, ये तीसरी लेयर है ऑफ द एटमॉस्फेयर का। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर ये लाइज करता है। इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। मेटेराइट्स बर्न अप इन दिस लेयर एंटरिंग इन द स्पेस। स्पेस से जब आता है कहीं से भी कोई ऐसा मेटेराइट वगैरह, जो हम लोगों ने क्लास 6 के एनसीईआरटी के चैप्टर 1 में पढ़ा था मेटेराइट्स के बारे में, वो इसी लेयर में आती है। और क्या होती है, घर्षण और हीट के कारण क्या होती है साथियों, ये मेटेराइट्स बर्न हो जाती है, जिससे पृथ्वी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। उसके बाद आइए बात करते हैं थर्मोस्फीयर के बारे में। अब इस थर्मोस्फीयर और मेसोस्फीयर के बीच में जो डिफरेंस कर रहा है जो लेयर, उसका कोई नाम है? हाँ हाँ, उसका नाम है मेसोपॉज। सिंपल है यार, स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर के बीच में कौन पॉज कर रहा है? स्ट्रेटोपॉज। ट्रापोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में कौन पॉज कर रहा है? तो आपका स्ट्रेटोपॉज। तो केवल आपको आगे वाला वर्ड लिखना है, फिर पॉज लिख देना, बस दैट्स इट। आइए बात करते हैं थर्मोस्फीयर के बारे में। इन दिस थर्मोस्फीयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली। यहाँ पे टेम्परेचर का जो राइज है, जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाओगे, ठीक है, तो टेम्परेचर में भी चेंजेस आएगा। हाइट इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी यहाँ इंक्रीज करते हुए आपको दिखेगा। इन इनोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ द लेयर। इनोस्फीयर इसका पार्ट है। इट्स एक्सटेंड बिटवीन द 80 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर। दिस लेयर हेल्प्स टू रेडियो ट्रांसमिशन। यहाँ पे आपको सैटेलाइट वगैरह बहुत सारी मिलेगी जो रेडियो वेव्स के ट्रांसमिशन का काम करती है। यहाँ किसी ने रेडियो वेव भेजा, सैटेलाइट ने यहाँ पे क्या किया, इसे सैटेलाइट ने यहाँ पे क्या किया, कैच किया और उसके बाद ट्रांसफर कर दिया टू द अनदर पर्सन। इन दिस फैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से ट्रांसफर रिफ्लेक्ट बैक एट द अर्थ बाय दिस लेयर। इसी लेयर में अर्थ से ऊपर जाती है रेडियो वेव्स, फिर सैटेलाइट से टकरा के नीचे की तरफ आती है और सारे सैटेलाइट आपको कहाँ मिल रहे हैं? मेसोस्फीयर में मिल रहे हैं। फिर बात करते हैं हम लोग लास्ट लेयर साथियों, एक्सोस्फीयर। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फीयर। दिस लेयर इज वेरी थिन एयर। यहाँ पे बहुत थिन एयर आपको मिलेगा, लाइट गैसेस लाइक हीलियम मिलेगा आपको, हाइड्रोजन फ्लोटेड इन टू द स्पेस फ्रॉम हेयर। यहाँ से आपको हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस मिलेगी। सो ये था अपना पार्ट वन चैप्टर फोर का। अब हम लोग कल करेंगे पार्ट टू, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है वेदर और क्लाइमेट। इन उसके बाद ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो अगर वीडियो समझ में आई तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चलते रहती है करंट अफेयर वगैरह की। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर ये करा दीजिए वो करा दीजिए, तो ऐसा बात नहीं है यार, मैं कराना नहीं चाहता। जरूरी है कि ये सब कराते कराते मुझे अपने भी काम है। सो अब एक चीज मैंने जब स्टार्ट करता हूँ तो फिर पहले एक चीज कराऊंगा ना, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है यार, ये कोई मेरा ऐसा चैनल है कि हाँ बहुत 10 लोग इसके ऊपर में काम कर रहे हैं। इस पे पढ़ा भी मैं ही रहा हूँ, कंटेंट एडिटिंग भी मैं ही कर रहा हूँ, अपलोड भी मैं ही कर रहा हूँ, कमेंट्स के रिप्लाई भी मैं ही कर रहा हूँ, चेक। तो ये पूरा पर्सनल चैनल है अभी। सो ये ऐसा नहीं है कि हाँ आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो इसे और लेके जाऊंगा मैं, और टीचर्स को जोड़ सकता हूँ इसमें आगे भविष्य में जो पढ़ाएंगे इसके ऊपर में। सो आपकी सपोर्ट का यहाँ पे जरूरत है। दूसरी बात कि
आपकी मैं डिमांड लिख ले आऊं, मैं कॉपी में बना के रखा हूँ जहाँ पे मुझे याद है कि आपकी क्या क्या डिमांड है, उन सबको मैं कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं स्किप कर रहा हूँ, करा दूंगा आपको। लेकिन हाँ, इट मस्ट बी रिलेटेड टू द यूपीएससी, सिर्फ यूपीएससी से रिलेटेड होगा तभी मैं वो चीज़ें कराऊंगा। अदरवाइज आप ऐसा होप मत रखिएगा कि दूसरे किसी भी एग्जाम से रिलेटेड होगा तो मैं वो चीज़ें कराने वाला हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरा जो चैनल है वो कम्प्लीटली मैंने यूपीएससी ओरिएंटेड बनाया है। हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट लगा कि हाँ वो ले लेना चाहिए, एक प्रिडिक्शन है कि यूपीएससी पूछ सकता है, तो ही मैं कराऊंगा उस चीज़ को। तो आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, और पार्ट टू अपना कल करेंगे। तब तक ये रखिए अपना ध्यान, मुझे दिया गया धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।